जो बन रहा है नीच में डलेगा। दीदी थोड़ा सा पीछे नीच में डलेगा ना। कुछ नहीं, बस आप काम देंगे करके इंतजार कर रही हूँ। आप काम देंगे करके इंतजार कर रही हूँ सर। भैया थोड़ा सा साइड, फोटो लूंगी था देखो। आप लोग भी था देखो, फोटो लूंगी एक। Thank you.
इसी कड़ी में आज हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत के लिए मैं सर्वाधिक समाज प्रांतिक अध्यक्ष सम्मान्य प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। सभापति परसाई नाला को भी बुलाना चाहूंगा। सम्माननीय एम एस कुलकर्णी जी आप भी आ जाएंगे। श्रीमती सुशील राजपूत जी रामेश्वरी आप लोग भी आ जाइए, साथ ही हमारे विजय प्रधान जी और जितने भी हमारी यूथ टीम है पवन ग्रोह जी आप भी आके हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अग्रवाल साहब का खुशबू से स्वागत करेंगे। गिरधारी लेडी जी पवन ग्रोह जी सुशील राज जी रामेश्वरी ग्रोह जी पुनः हम निवेदन करेंगे कि हमारे कर्मा दल से और कृपया मंच के सामने आ जाए। कर्मा दल
जिनके पुनः पहचान हमारे आज के मेधावी जो छात्र छात्राएं हैं उनको हमारे मुख्य अतिथि महोदय के इंटर कमलों के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो मैं जिन जिन बच्चों का नाम लूंगा वो कृपया मंच में कतारबद्ध आएंगे और हमारे आज के मुख्य अभ्यागत के हाथों से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। सुखमती कक्षा 10 में 8वीं पर है, समाज की तरफ से और आप लोगों का भी। रानी दुर्गावती का शहादत दिवस मनाने के आज हम उपस्थित हुए हैं और सभी को इसका मैं बधाई देता हूँ। आज की तारीख में हम लोगों को जैसा अनुमान था कि बहुत सारी लोग आएंगे मगर नहीं आ पाए, सबका कोई ना कोई काम रहता है, लेकिन जितने लोग भी आए आने वाले समय में
बलिदान दिवस के रूप में हमर जो वीरांगना है, ये जो आदिवासी समाज है, जितका भी आहुति दे, कहीं न कहीं ये देश के लिए अपन कर्तव्य और दायित्व ला निभाएगा, अपन आहुति दे। आज वो आहुति ला जागृत करेगा, हम जो भी सुन के उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के
प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रधान जी, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक सम्मानी वेद सिंह मरकाम जी, मुंडा समाज के समाज प्रमुख बल्लू देवकाम जी, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक पी एस पट्टा जी, के एस ठाकुर जी, सियाराम नेताम जी, उराव समाज के प्रमुख संतोष टोप्पो जी, देव सिंह कोर समाज के प्रमुख देव सिंह कोरते जी, भरतलाल मार्को जी, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लव सिद्धार्थ जी, मुकेश मरावी जी, और मंच का संचालन कर रहे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय महासचिव राजू ध्रुव जी, मंच पे उपस्थित सभी समाज के सम्माननीय अतिथिगण, उपस्थित सम्माननीय जन, उपस्थित सभी बहनें, आज हम सब वीरांगना दुर्गावती, रानी दुर्गावती जी के जयंती पर एकत्र हुए हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश में रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई और उसी का कारण है कि 500 साल की मुगल शासन, 150 से 200 वर्ष का अंग्रेज का शासन, 700 साल की पराधीनता, 700 साल की गुलामी, लेकिन हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को ये 700 साल की गुलामी नष्ट नहीं कर पाई। लेकिन दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में अगर हम जाएंगे तो जो देश 50 साल गुलाम रहे, 100 साल गुलाम रहे, उनकी संस्कृति सभ्यता सब नष्ट हो गई, लेकिन एक मात्र देश अगर कोई है तो हमारा देश है जिसकी सभ्यता संस्कृति आज भी विद्यमान है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है, सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे देश के आदिवासी समाज को जाता है जिसने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बना के रखा। आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित, जिस प्रकार से पर्यावरण की समस्या बढ़ते जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, पानी लुप्त होते जा रहा है, ये माना जाता है बात को दुनिया वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा। अगर आज भी हमारे देश में देखें तो खासकर जो हमारा आदिवासी समाज है, जल, जंगल
नदी को भगवान मानते हैं, जल को देवता मानते हैं और जमीन को माता मानते हैं, उसी का प्रणाम। और आज दुनिया इनके ऊपर चिंतित है, वो हम भारतवासी पहले से करते हैं। और न केवल आदिवासी समाज, आज मेरा नाम वीएस मरकाम, गुड़वाना गुण भूमकाल के संरक्षक के रूप में समाज में काम कर रहा हूँ। आज का इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे महान वीरांगना महारानी दुर्गावती के शहादत दिवस के रूप में आज सरवती समाज के और गुण भूमकाल के तत्वधान में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आज गौरवशाली इतिहास के बारे में हमारे समाज के युवाओं को, युवतियों को परिचय कराना और हमारे संस्कृति और हमारी धरोहर के बारे में अवगत कराना, उनके गौरव और सम्मान के बारे में समाज में एक नया दिशा हम लोग दे रहे हैं, ताकि समाज के युवाओं को अपने इतिहास का भली भांति जानकारी हो और अपने आप में जो गौरव की जो बात है उसको अपने हृदय में सजोए रहे। गुड़वाना समाज के मुख्य उद्देश्य, किसी समाज के मुख्य उद्देश्य होता है समाज में संगठित भाव से होकर के विकास, सतत विकास की ओर, समाज की संस्कृति और गौरव के साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के बारे में समाज में हम लोग अपना जितना हो सकता है मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते रहते हैं, इसलिए समाज में आवश्यक रूप से मीटिंग करा करके पूर्ण समाज का संगठन किए हैं, गठित किए हैं। जी, मेरा नाम राजीव ध्रुव है और मैं छत्तीसगढ़ सर्वाधिक समाज के प्रांतीय महासचिव हूँ। हमारा उद्देश्य है आज यहाँ वीरांगना रानी दुर्गावती का शौर्य दिवस के रूप में हम लोग यहाँ बिलासपुर के गुड़वाना भवन में मना रहे हैं। और ये यहाँ पे हमारे जितने यूथ है वो सबका एक उद्देश्य है कि हम एक संगठित होकर समाज के लिए काम करें और हम लोग स्किल डेवलपमेंट में काम करें। हमारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य है शिक्षा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और समाज को संगठित कर रहे हैं। और इसी के तारतम्य में आज इसी बहाने रानी दुर्गावती जी का जो शहादत हुई है उस पर आज विस्तृत चर्चा हमारे अतिथियों ने दिए हैं और इस कारण हम प्रेरणा लेते हैं और इन लोगों से, और हम लोग भी अपने समाज के दिशा निर्देश का जो पालन है वो हमारे बुजुर्गों से लेते हैं और वही हम उसी का अपने जीवन में अनुकरण करते हैं। उसी सिद्धांत को लेके आज यहाँ पे रानी दुर्गावती का जो कार्यक्रम है उसका जो शपथ लिए हैं कि उनके जो बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने देंगे, उनके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद। मैं धनेश्वर सिंह नेताम, कोषाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला बिलासपुर से, आज बहुत ही गौरवपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई बिलासपुर के द्वारा किया गया। इस आयोजन से हम समाज में एकता की भावना और संगठित रहने की भावना और अपने इतिहास को जानने और पहचानने और उस इतिहास के अनुरूप संपन्नता प्राप्त करें, ऐसा सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और खास करके हमारे समाज में महिलाओं को आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सामने आए, ऐसा सोच हम विकसित करना चाह रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं देव सिंह पोर्ते, ब्लॉक अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज मस्तूरी। हम लोग समय समय पे हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन पर प्रकाश जानने के लिए, जैसे आज वीरानी दुर्गावती जी का शहादत दिवस है और शहीद वीर नारायण जयंती आता है, समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके समय समय पे कार्यक्रम करवाते रहते हैं समाज, जिससे एकजुट रहे और उनके जीवन पर प्रकाश डाला जा सके। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं पुष्पा साहू, टीजीपी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। टीजीपी में छत्तीसगढ़, मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर, टीजीपी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं बिलासपुर और अभी हम उपस्थित है गुड़वाना भवन अशोक नगर सरकंडा में, जहाँ पर
स्थैर्य दिवस महारानी दुर्गावती मंडावी जी का बलिदान दिवस पर सब सब नमन है। आज गुड़वाना समाज के लोगों के द्वारा यहाँ कार्यक्रम यहाँ हो रहा है दुर्गावती जी का, तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहे, आपको पल पल की खबर मिलेगी। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। Gracias.